ईडी ने जांच तेज कर दी है और मुश्किलें बढ़ गई हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। खबर ये कि आज ईडी के सामने पेश होना होगा, सवालों का सामना भी करना होगा, लेकिन उससे पहले हेमंत सोरेन ने तैयारी की है यूपीए विधायकों की बैठक बुलाकर और साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी तैयारी है। बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। झारखंड में अवैध खनन का मामला जो मुश्किलें बढ़ाता हुआ हेमंत सोरेन के दिखा रहा है, आज ईडी के सामने सवालों का सामना करने के लिए पेश होना होगा हेमंत सोरेन को। मनी लॉन्ड्रिंग केस है जिसमें हेमंत सोरेन से सवाल जवाब ईडी की टीम करना चाहती है। सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जिसमें हेमंत सोरेन को ईडी के सामने पेश होना है, मतलब वक्त हो चुका है। अब कभी भी हेमंत सोरेन मीडिया के सामने आ सकते हैं। यूपीए विधायकों की मीटिंग में क्या स्ट्रेटेजी आगे की तैयार कर रहे हैं ये बाकी विधायकों से या फिर सूत्रों के हवाले से जैसे ही खबर सामने आएगी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहां हेमंत सोरेन की मुश्किलें पहले से बढ़ी हुई हैं, ऐसे में आज ईडी के समन पर पेश होना होगा। सुबह 11 बजे ईडी के सामने पेश होने का वक्त 11 बज चुके हैं। ईडी के सामने हेमंत सोरेन अभी तक पेश हुए नहीं है, लेकिन साथ ही साथ मीडिया के सामने आकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी है उसमें बड़ी बात यह है कि हेमंत सोरेन की तरफ से आखिर क्या कहा जाएगा। हेमंत सोरेन जो कि पहले से आरोप लगा रहे हैं वो कह रहे हैं कि सत्ता हाथ से छीनना चाहता है विपक्ष, इसीलिए इस तरह की साजिश कर रहा है। आप 6 तस्वीरों के जरिए समझिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई। ईडी पूछताछ की तैयारी के लिए सवालों की लिस्ट बनाकर तैयार है लेकिन अभी तक पेश नहीं हुए हैं। 11 बजे का वक्त हेमंत सोरेन को ईडी ने दिया था पेश होने के लिए। अवैध खनन का ये मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे हुए हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं। ऐसे में बार बार खुद को आदिवासी कहते हैं, ट्राइबल कार्ड खेलने की भी कोशिश कर रहे हैं और ये कहते हैं कि मैं आदिवासी हूं, मैं हारता नहीं हूं, मैं झुकता नहीं हूं और हम किसी से डरते नहीं है। इस तरह की बातें हेमंत सोरेन बार बार कह रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी बात ये अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या सफाई पेश करते हैं हेमंत सोरेन। जिस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं या फिर जिस तरीके से ईडी कार्रवाई करने की तैयारी में है उसको लेकर हेमंत सोरेन क्या कहते हैं, इस पर निगाहें सभी की हैं। संतोष हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए इस खबर पर हमारे साथ। संतोष, 11 बजे का वक्त था, 11:03 हो गए हैं, जानकारी क्या है हेमंत सोरेन को लेकर? प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी? यूपीए विधायकों की भी मीटिंग क्यों बुलाई है और अब कब ईडी के सामने पेश होंगे? देखिए बिल्कुल 10 बजे का ही तय था वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन तय अपने वक्त से प्रेस कॉन्फ्रेंस डिलेड है, अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हो पाई है। तो ऐसे में इस बात की उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री के मन में बहुत कुछ चल रहा है। मुख्यमंत्री या तो घबराए हुए हैं इस वजह से वक्त पे अपना कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। वक्त दिया था 10 बजे का, तो 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, 11 बजे यहाँ पूछताछ के लिए यहाँ आना था, लेकिन ये दोनों ही वक्त अब आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में अब कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री, क्या उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। यूपीए की विधायक दल की बैठक बुलाई है, उसमें वो क्या फैसला लेने वाले हैं, ऐसे कई सवाल हैं। जैसे क्योंकि अब इनको यहाँ पर कई टफ सवालों से गुजरना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि उनका प्रेम प्रकाश से क्या संबंध है, उनको उनका जो सुमन गिरफ्तार हुआ था उनके साथ क्या उनके साथ संबंध थे, उनके पंकज मिश्रा के साथ क्या संबंध है, उनके पंकज मिश्रा के साथ जो उनके घर पे दस्तावेज मिले थे उन दस्तावेजों से उनका क्या लेना देना, क्योंकि जो दस्तावेज आपके घर पर होने चाहिए थे वो दस्तावेज पंकज मिश्रा के घर पर क्या कर रहा था। ऐसे उसके बाद जो अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है, अमित अग्रवाल से मनी ट्रांजेक्शन मनी ट्रेल और जो सेल कंपनियां बनाई गई हैं, उन सारे सवालों का जवाब उनको यहां पर देना पड़ेगा। और ये सारे सवाल कोई अच्छे सवाल नहीं है, मुख्यमंत्री के लिए काफी कठोर रहने वाला है तो आने वाला वक्त। संतोष, लेकिन इस बीच यूपीए विधायकों को इकट्ठा आखिर क्यों किया गया, उनकी मीटिंग क्यों बुलाई है? देखिए कुल मिलाकर ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो पूछताछ है उस पूछताछ का ये पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, ये बताने की कोशिश होगी उन सभी लोगों को कि देखिए बहुमत हमारे साथ है लेकिन हमें क्योंकि यहाँ से सत्ता से बेदखल करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और इस वजह से ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई की जा रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई को वो एक आदिवासी विक्टिम कार्ड भी खेल सकते हैं क्योंकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि आदिवासी होने की वजह से उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसे में कई जो ये हर मुमकिन कोशिश की जाएगी उनकी तरफ से कि इसका पॉलिटिकल माइलेज ज्यादा से ज्यादा, इसी वजह से देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और यूपीए के सभी विधायकों ने अपने अपने समर्थकों को अपने अपने जिलों से बुला लिया है। ऐसे में इस बात की अंदेशा जताई जा रही थी कि सिक्योरिटी को लेकर कोई परेशानी ना हो, इसको देखते हुए यहाँ पर देखिए किस तरीके से इसको किले के रूप में तब्दील कर दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस, लोकल पुलिस, यहाँ पर एसएसपी एसपी सब सारे ये सारे जमा है, इस उनके जवान इस तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है। चारों तरफ से बैरिकेटिंग कर दी गई है, कोई अभी इस इलाके में नहीं दाखिल कर सकता है क्योंकि इन्हें अंदेशा था कि जिस तरह से समर्थक यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए, उसको ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी बढ़ा दी। लेकिन कुल मिलाकर
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पॉलिटिकल माइलेज लेने आप की कह रहे हैं कि संख्या बल के आधार पर भी कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश हेमंत सोरेन कर रहे हैं, इसीलिए यूपीए विधायकों को बुलाया गया है और इसीलिए उनकी संख्या को दिखाना चाहते हैं हेमंत सोरेन कि देखिए बहुमत हमारे साथ है। बार बार साथ ही हेमंत सोरेन ने एक आरोप भी लगा दिया, कहा कि जानबूझकर मुझे सत्ता से हटाने की कोशिश के लिए सब कुछ हो रहा है, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। अगर वो कह रहे हैं कि साजिश हो रही है तो अपनी बेगुनाही का सबूत भी सामने रख दें। देखिए जांच एजेंसी के सामने उन्हें अपने सवालों का जवाब देना है और वो जो सत्ता पक्ष बहुमत की बात कर रहे हैं उनमें से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कल शाम को जो यूपीए की बैठक हुई थी उसमें कांग्रेस के 8 MLA शामिल नहीं हुए थे। इसमें 8 MLA में से वो 3 MLA जो कि जेल गए थे कैश कांड में, कलकत्ता में पश्चिम बंगाल के पुलिस ने अरेस्ट किया था, उन 3 MLA के साथ साथ 5 और MLA मतलब कुल 8 MLA कांग्रेस के उसमें शामिल नहीं हुए थे। इस वजह से अब देखिए आने वाले समय में ये काफी मुश्किल होने वाला, संख्या बल भी उसको दिखाने में हो सकता है कि मुश्किल का सामना करना पड़े क्योंकि कांग्रेस के 8 MLA कल यूपीए की मीटिंग से गायब थे। आज अगर ऐसी स्थिति रहती है तो संकेत कुछ दूसरी तरफ जाएंगे और इस वजह से मुख्यमंत्री को हो सकता है कि परेशानी इस बात की हो रही है। आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो 8 विधायक हैं वो मीटिंग में शामिल हुए ही नहीं थे, ऐसे में यूपीए विधायकों की जो मीटिंग बुलाई गई है हेमंत सोरेन के जरिए उसमें आज भी कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं या फिर ये कहिए कि सरप्राइज खुद हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ा सकता है। संतोष आप रहिएगा, चूंकि यूपीए विधायकों को लेकर आपने जानकारी दी है, बड़ी खबर दर्शकों को एक बार दे देते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने यूपीए विधायकों की बैठक आज बुलाई हुई है और इस मीटिंग में जैसे कि संतोष इशारा कर रहे हैं कि संख्या बल के आधार पर हेमंत सोरेन ये दिखाने और जताने की कोशिश करेंगे कि संख्या बल उनके साथ में है, लेकिन ईडी की अपनी तैयारी है, सवालों के साथ सवालों का सामना करना होगा हेमंत सोरेन को। ऐसे में सीएम आवास पर विधायकों की मीटिंग बुलाई गई, लेकिन संतोष इसी को लेकर जानकारी दे रहे हैं कि कल जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें 8 कांग्रेस के विधायक नहीं पहुंचे थे। सोरेन गुट ने कहा है कि हमें किसी तरह का कोई डर नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ये भी कह रहे हैं कि मुझे सत्ता से हटाने के लिए साजिश हो रही है। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि ईडी लगातार मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, ईडी के पास जाने से बच रहे थे सीएम हेमंत सोरेन। अब जिस तरीके से झारखंड में सियासी उथल पुथल देखने को मिल रही है उसको लेकर रिएक्शंस भी कुछ सामने आ रहे हैं। हेमंत सोरेन की मुश्किलें तो बड़ी है लेकिन रिएक्शंस क्या है सुनिए आप। को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, सर्वोच्च अदालत तो जनता है और इस तरह की प्रताड़ना और झारखंडियों के अधिकार और हक को कहीं न कहीं छीनने का प्रयास किया जा रहा है दिल्ली में बैठे हुक्मरानों के द्वारा। विशुद्ध रूप से भ्रष्टाचार का मामला है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे तरीके से नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मान हुआ है, ये कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं है जो जिस तरीके का माहौल पूरे राज्य में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कानून अपना काम कर रही है और कानून के हाथ लंबे होते हैं, लंबे। जिसने आर्थिक अपराध किया हो या कोई अपराध किया हो तो वह कानून से बच नहीं सकता है और माननीय मुख्यमंत्री जी के ने अपने नाम पर अवैध इलीगल माइनिंग का लीज लिया है। बीजेपी कह रही है कि अवैध खनन अगर किया गया है तो फिर मुश्किलें तो बढ़नी तय है, कानून अपना अपना तरीके से काम कर रहा है। संतोष ये जो विधायक दल की मीटिंग को लेकर आपने बताया कि यूपीए विधायकों की मीटिंग बुलाना फिर उसमें 8 कांग्रेस विधायकों का ना पहुंचना, एक तरफ हेमंत सोरेन और जो सोरेन गुट है वो कह रहे हैं कि हमें तो डर ही नहीं है संख्या बल दिखाने की कोशिश में, दूसरी तरफ अगर कांग्रेस के 8 विधायक गायब रहते हैं तो इसे क्या समझा जाए और क्या आज भी ऐसा कुछ हो सकता है? सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस में भी 2 फाड़ है और उसके साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी इस बात को लेकर 2 फाड़ है कि आखिर क्योंकि उनके साथ अगर आप देखें लॉबिन हेमराम जो कि काफी वरिष्ठ विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, शिबू सोरेन के जनरेशन से आते हैं, तो ऐसे में उन लोगों की भी नाराजगी हेमंत सोरेन को झेलनी पड़ेगी। मथुरा महतो जैसे लोगों के जो पुराने कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के MLA हैं उन लोगों की नाराजगी हेमंत सोरेन को झेलनी पड़ेगी। इन सब को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि हेमंत सोरेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी इस बात के संकेत है कि ये सारी जो कमियां हैं इन कमियों को पूरा करना चाहते हैं, मतलब इन लोगों को समझाने मनाने की कोशिश बैकडोर से चल रही है और इन लोगों को अगर ये समझाने में नाकाम रहे तो इनके लिए यहाँ पर जो सवाल
है, उन जो सवाल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से होंगे उन सवालों के जवाब देने में उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन जाएगा, क्योंकि उन्हें ये पता होगा कि उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के में भी जो दो पार है उसमें एक पार उनको समर्थन नहीं दे रहा है, उनको खुलकर समर्थन नहीं कर रहा है। उनकी मजबूरियां अपनी है क्योंकि पार्टी व्हिप के साथ उनको जाना है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो है 8 MLA का शामिल नहीं होना। और संतोष, बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि जो 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसका अभी तक कोई अता पता है नहीं, 11 बज चुके हैं, ईडी के सामने पेश होने का वक्त है, ऐसे में न तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और न ही ईडी के सामने अभी तक हेमंत सोरेन पेश हुए हैं। एक काम कीजिएगा, नजर आप रखिएगा, चूंकि आप लगातार एक एक अपडेट इस खबर से जुड़ा हुआ बता रहे हैं, तो संतोष ही दर्शकों को बताएंगे कि आखिर ईडी के सामने अगर हेमंत सोरेन आज पेश हो सकते हैं तो फिर किस तरह के सवाल ईडी करने वाली है। संतोष की रिपोर्ट देखिए, फिर संतोष से सवाल करेंगे। घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज पूछताछ के लिए दिन के 11 बजे यहां पर रांची के जोनल ऑफिस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसी दफ्तर में यहां पर पहुंचना है और जहां उन्हें कई सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आज ये दूसरा समन हुआ है, दूसरे समन में आज दिन के 11 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची के जोनल ऑफिस में यहाँ पर पूछताछ में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने शामिल होना पड़ेगा। और अभी जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री के आने से पहले यहाँ देखिए तैयारियां बिल्कुल जोर शोर से है, क्योंकि बताया जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता रांची के शहर में इकट्ठा हो चुके हैं, पूरे राज्य भर से 2400 जिले से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। इस वजह से कोई ऐसी अनहोनी ना हो उसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री को बतौर अभी पूछताछ के लिए बुलाया गया है और इस पूछताछ में अब देखना होगा आगे क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि कल जो देर रात को बैठक बुलाई थी इन्होंने यूपीए की बैठक, यूपीए के सभी विधायक यहां पर पहुंचे थे उनके आवास पर, उसमें उन्होंने कहा था बड़े फैसले अगर होते हैं तो उसके लिए भी आप लोग इंतजार कीजिए। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री को इस बात का अंदेशा है कि हो सकता है कि यहां पर कुछ ऐसा फैसला हो जो कि वो नहीं चाहते हैं, उसके लिए भी अपने कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा है। संतोष बता रहे थे कि किस तरीके के सवाल ईडी की टीम की तरफ से किए जा सकते हैं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से। इस बीच बड़ा अपडेट आप ये भी जान लीजिए कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जो कि ईडी के सामने पेश होने से बच रहे हैं, पंकज और प्रेम से जुड़े हुए सवाल भी पूछे जाएंगे हेमंत सोरेन से। अवैध खनन केस का यह मामला है, इसमें गिरफ्तार आरोपियों से जुड़े हुए भी सवाल होंगे और उनसे कनेक्शन भी हेमंत सोरेन को लेकर यहां पर खंगाला जा रहा है और इसी कनेक्शन से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। कारोबारी अमित से जुड़े हुए सवाल भी इसमें शामिल है, पासबुक चेकबुक इन सब को लेकर जो सिग्नेचर लिखे गए हैं सिग्नेचर किए गए हैं उसको लेकर भी हेमंत सोरेन से सवाल जवाब होने वाले हैं। बढ़ती हुई दिख रही है हेमंत सोरेन की मुश्किलें, लेकिन हेमंत सोरेन जिनकी खुद सांसें अटकी हुई नजर आ रही है, क्योंकि जैसे संतोष ने कहा पहले यूपीए विधायकों की जो मीटिंग बुलाई गई है उसमें कांग्रेस के विधायकों का गायब रहना, आज भी इस तरह के संकेत मिलना, एक तरफ हेमंत सोरेन तैयारी कर रहे थे संख्या बल के आधार पर कॉन्फिडेंस दिखाने के, लेकिन यहां पर कॉन्फिडेंस डगमगाता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि एक के बाद एक आरोप भी लग रहे हैं, सबूत भी हाथ लग रहे हैं और इन्हीं सबूतों के आधार पर ईडी आज पूछताछ करने वाली है। पंकज से जुड़े हुए प्रेम से जुड़े हुए सवाल होंगे, साथ ही साथ जितने गिरफ्तार आरोपी हैं उनसे जुड़े हुए भी सवाल ईडी करने की तैयारी में है। सिग्नेचर जो पासबुक पर है जो चेकबुक पर है उन सिग्नेचर्स को लेकर भी सवाल होंगे। कोलकाता के जो कारोबारी अमित हैं उनसे जुड़े हुए भी सवाल ईडी के जरिए किए जाने हैं। संतोष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संतोष, ईडी ने सब कुछ सबूतों के आधार पर इकट्ठा किया है, सबूतों के आधार पर ही आज सवाल जवाब होंगे, अगर इस पर हेमंत सोरेन सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना या चमकाना चाहते हैं तो फेल साबित होंगे क्योंकि अभी तक भी पूरा सपोर्ट मिल नहीं रहा। देखिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब उनसे एक सवाल और भी ये पूछेगा कि जब आपके पंकज मिश्रा पिछले 5 महीने से गिरफ्तार हैं, आपके विधायक प्रतिनिधि हैं, तो उसके बावजूद भी आपने उसको विधायक प्रतिनिधि के रूप में नहीं हटाया, मतलब आप करप्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। पंकज मिश्रा के साथ जो दस्तावेज जो मनी ट्रेल जो उनके घर से कैश मिले थे जो उनके जानकारों के पास से पैसे मिले थे उन सारे सवालों का जवाब अब इनको ज्यादा ही इनको देना पड़ेगा क्योंकि अभी तक पंकज मिश्रा को इन्होंने अपने विधायक प्रतिनिधि से नहीं हटाया है। एक दूसरा सवाल प्रेम प्रकाश से जुड़ा हुआ, प्रेम प्रकाश के घर पर AK-47 मिला था, सबको याद है पूरा देश ने देखा था कि AK-47 प्रेम प्रकाश के घर के कबड में क्या कर रहा था जो कि झारखंड पुलिस का था, उस पर अब तक FIR नहीं होना। तीसरा अमित अग्रवाल भी अभी ईडी की अभी जेल में ही है, अमित अग्रवाल के साथ अमित अग्रवाल पर आरोप है कि जो भी पैसा पंकज मिश्रा ने यहां पर उगाही किया है उन पैसों को शेल कंपनियों मुझे ईडी के दफ्तर में
जाना है, जैसे कि मुझे सम्मन दिया गया है, और उस संदर्भ में जो राज्य में इलीगल माइनिंग की जांच ईडी कर रही है, उस संदर्भ में मुझे बुलाया गया है, और इस संदर्भ में भी मैंने एक पत्र ईडी को भेजा है जो आपको भी उपलब्ध करा दिया जाएगा कि किस तरीके से 1000 करोड़ का घोटाला के बारे में जो जिक्र आया है साहिबगंज जिले से, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सालाना भी अगर हम देखें पूरे राज्य में स्टोन चिप से 1000 रुपए की आमदनी भी नहीं होती। इसका आधार कैसे बना, कैसे नहीं बना, ये समझ से परे है। और 1000 करोड़ रुपए का घोटाला करने के लिए कितने करोड़ों का खनन होगा, उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, और जो विगत 2 साल को अगर हम देखें जब से एजेंसी जांच कर रही है, जो आरोप लगे हैं वो कहीं से संभव प्रतीत नहीं होता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एजेंसियों को पूरी विस्तृत जांच पड़ताल करने के उपरांत ही किसी ठोस निर्णय पे या एक ठोस आरोप लगाना चाहिए। आज मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं, एक संवैधानिक पद पर हूं, और जिस तरीके से सम्मन की कार्रवाई चल रही है लगता है कि हम लोग देश छोड़ के भागने वाले लोग, और मेरे राजनीतिक इतिहास में मुझे नहीं लगता है व्यापारियों को छोड़कर कोई राजनीतिक दल देश छोड़ के भागा हो या राजनीतिक दल के नेता देश छोड़ के भागे हो। और आज कहीं ना कहीं ऐसे कार्रवाई से राज्य में एक संशय की स्थिति उत्पन्न होती है, कार्यपालिका को निरंकुश करने का एक माध्यम बन सकता है, सरकार को अस्थिर करने का भी एक षड्यंत्र कहा जा सकता है। कहा जाए कि जो हमारे विपक्ष हैं, जो सरकार बनने के बाद से ही सरकार गिराने के षड्यंत्र लगे हुए थे, और यह षड्यंत्र की पनडुब्बी जो पानी में डूब डूब करके काम कर रहा था, ऊपर आने की ताकत नहीं रख रहा था, आज उस पनडुब्बी को धीरे धीरे बाहर लाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा चुनाव आयोग महीनों पहले राज्यपाल महोदय को अपना मंतव्य दे चुका है, लेकिन राज्यपाल महोदय अभी तक उस लिफाफा को उन्होंने नहीं खोला। मुझे लगता है कि वो भी किसी समय का इंतजार कर रहे थे, और आपने सुना है पूरे देश के खबरों में चला महामहिम ने दूसरा मंतव्य चुनाव आयोग से मांगा है जो बिल्कुल ही असंवैधानिक था। और जब हमने इसकी जानकारी चुनाव आयोग से लिया तो पता चला कि महामहिम
ने कोई दूसरा मंतव्य नहीं मांगा।